वो गांव जिसका देश प्रेम देख और सुन आप दंग रह जाएंगे। एशिया का वो सबसे बड़ा गांव जहां हर गांव में फौजी बसता है, वो गांव जिसने देश को 15,000 से ज्यादा जवान देने का काम किया। इतना ही नहीं, जब तक फौज में नहीं तब तक शादी नहीं के सिद्धांत पर अमल होता है। जी कौन सा है यूपी का वो गांव जहां रगों में देशभक्ति बहती है, और क्यों कहते हैं इस गांव की मिट्टी से वीर पैदा होते हैं। ये गांव है एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर। ये गहमर गांव है जहां लड़के फौज की नौकरी के बिना शादी नहीं करते। इस गांव के लिए देश की आन बान शान ही सब कुछ है। गहमर गांव काजीपुर के जमानिया विधानसभा में बसे इस गांव की कहानी आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। इस गांव को राजा धामदेव राव ने 1530 में बसाया था। जैसे ही आप गांव में प्रवेश करेंगे आपको घरों के बाहर नेम प्लेट पर भूतपूर्व सैनिक, भारतीय सेना और फौजी शब्द दिखाई देंगे। तभी तो इस गांव ने देश की सेना को 15,000 सैनिक देने का गौरव हासिल किया है। यूपी के गाजीपुर जिले से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है गहमर गांव। आबादी के लिहाज से ये एशिया का सबसे बड़ा गांव कहलाता है, लेकिन ये इसकी पहचान नहीं। अब आइए हम आपको इसकी पहचान से रूबरू करवाते हैं। इस गांव में देश प्रेम और देशभक्ति का जुनून है। कोई ना कोई सेना में है या रह चुका है। इस गांव में अभी भी 2,000 से ज्यादा सैनिक से लेकर कर्नल और कर्नल से लेकर जनरल तक की पोस्ट पर सेवा दे रहे हैं। जानते हैं यहाँ हर नौजवान क्या कहता है? कहता है आरजू बस यही है मेरी, आरजू बस यही है मेरी, हर सांस देश के नाम हो, जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर झुके तो वतन का प्रमाण हो। ये गांव कैसे अपने नौनिहालों को बचपन से ही सेना के लिए तैयार करता है अब ये भी जान लीजिए। यहाँ बीचों बीच गांव में एक गोल चबूतरा है, इस पर गांव के सैनिकों का नाम भी लिखा है। इसी मैदान के कोने पर पूर्व सैनिक सेवा समिति का दफ्तर भी है, जहां गांव के रहने वाले पूर्व सैनिकों की बैठक होती है। बच्चों को सेना से जुड़ी परीक्षा, सैनिकों के पेंशन और रोजमर्रा की जरूरत वाले सामान यहीं से सस्ते रेट पर मिलते हैं। कहते हैं यहाँ के 12 सैनिक साल 1965 और 1971 की जंग से लेकर कारगिल युद्ध की लड़ाई तक लड़े और भारतीय सेना का मान बढ़ाया। इस गांव ने भारतीय सेना को ना सिर्फ 15,000 से ज्यादा जवान दिए बल्कि भविष्य में और जवान तैयार करने की ठानी भी है। जहाँ किसी भी घर का बेटा फौज से छुट्टी लेकर आता है तो गाँव का हर व्यक्ति उसके सम्मान में खड़ा हो जाता है। चलिए अब एक दिलचस्प आंकड़ा भी आपको बताते हैं। 16 मार्च 2021 को लोकसभा में बताया गया था कि देश में कुल 11,51,726 जवान सीमा पर तैनात थे। इनमें से 1,67,557 सैनिक अकेले यूपी के ही हैं। दूसरे नंबर पर पंजाब है जिसने देश की सेना को 89,088 जवान दिए। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जिसने देश की सेना को 87,835 जवान दिए। गहमर गांव की खासियत है कि हर गांव में फौजियों की तस्वीर, वर्दियां और सेना के मेडल अलमारियों में सजे होते हैं, जो उस विरासत का प्रमाण है, प्रतीक है, जो गांव के हर युवा की जिद और जनून का वो सपना बन जाता है कि वो एक ना एक दिन फौज में भर्ती होकर देश की सेवा जरूर करेगा। तभी तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी अलग है गहमर गांव। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।